हेलो गाइस, दिस इज शार्प सर और मैं आ चुका हूँ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एसिड एंड सॉल्ट का फोर्थ सेक्शन लेके। इस लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए। चलिए फर्स्ट पॉइंट इज देयर द कंसंट्रेशन एसिड एंड बेसिस। ये कंसंट्रेशन का मींस क्या होता है? देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो कंसंट्रेशन का मींस होता है एकदम थिक यानी कि गाढ़ा, यानी कि उसके अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा लेस हो, कम हो। तो ऐसे एसिड एंड बेसिस जिसमें वाटर की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कम होती है, ऐसे एसिड एंड बेसिस को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। ओके, तो ज़्यादातर हम लोग केमिस्ट्री लैब में जो है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम लोग कंसंट्रेशन एसिड का यूज कम करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस। ये डाइल्यूट फॉर्मेशन यानी कि जो कंसंट्रेशन एसिड होते हैं उनको डाइल्यूट फॉर्मेशन में लाने के लिए हमको क्या करना होता है, उसके अंदर वाटर ऐड करना होता है। ओके, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एसिड एंड बेसिस, दिस टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस इट इज नोन एज डाइल्यूट। अंडरस्टैंड ना? तो कुछ टर्म्स होते हैं कंसंट्रेशन एसिड को डाइल्यूट फॉर्मेशन में लाने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज देयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द फर्स्ट पॉइंट इज देयर द पोर एसिड इनटू वाटर, यानी कि हमको क्या पोर करना है, एसिड को पोर करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर, किसके लिए, डाइल्यूट फॉर्मेशन बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट इज देयर डोंट पुट वाटर इनटू एसिड। ऐसा नहीं करना है कि हमने एसिड को एक कंटेनर में लिया हुआ या हमने एसिड को एक टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ और उसके अंदर हम उसको वाटर ऐड करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग वे। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, इफ वी ऐड द वाटर इनटू एसिड देन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल स्टार्ट एंड द बीकर इज ब्रेक डाउन एंड वी विल बर्न। क्या हुआ, अगर हम अपोजिट कर देंगे, मतलब पानी को एसिड के अंदर अगर मिलाते हैं तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी और जब रिलीज होगी तो जिस बीकर या जिस टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड ले रखा था वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा और जब वो फटेगा तो वो एसिड की कंटेंट हमारे बॉडी में आएगी जिसके बेस पर हम लोग क्या होंगे बेटा, जल जाएंगे। तो इसलिए हमें इन तीन टर्म्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एल्काइल। ये एल्काइल क्या होते हैं बेटा, जितने भी बेसिस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं ऐसे बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो फॉर एग्जांपल एल्काइल इज द एनिकोइस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल। ये पीएच स्केल होता क्या है, ये पीएच इसका मींस है क्या, चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। The pH is the composition of the two letters, first form the P and second is the H. What is the means of the P and the H? Yes, the terms pH letter P stands for the German word potens. Which word? Potens. Just the means kya hai hamara? Power. And the H for stands for the hydrogen in concentration, hydrogen ions. ओके, तो ये हमारे डिफरेंस बन जाएंगे, पी फॉर क्या है, एच फॉर क्या है, पी फॉर प्रोटीन दिस मींस कॉपर एंड एच फॉर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। ओके, चलिए बात करते हैं पीएच स्केल है क्या और इसको किसने डिस्कवर किया था। देखिए बेटा, पीएच स्केल डिवाइस्ड इन 1909 बाय द साइंटिस्ट ऑफ सोरेनसन। किसने किया था, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में एक स्केल निकाला जिस स्केल का नाम क्या था, पीएच स्केल। सर ये पीएच स्केल होता क्या है, यस बेटा देखो होता क्या है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल जिसकी मदद से हम किसी भी एसिड और बेसिस के स्ट्रेंथ को जान सकते हैं कि वो कितना हाईली एसिडिक है और कितना हाईली बेसिक है। ओके, तो ऐसे स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए सोरेनसन ने स्केल बनाया जिसका नाम क्या रखा, पीएच स्केल। पीएच स्केल पर कुछ वैल्यूज को इंडिकेट किया गया, वो वैल्यूज जो है वो 0 से 14 तक होती है। जैसे कि मैंने आपके सामने की स्केल को ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है 0 टू 14 तक। ओके, तो यहाँ 0 टू 6 तक जितने भी हमारे एसिड होंगे वो सब कैसे होंगे, वो सब क्या होंगे, हमारे एसिडिक नेचर के होंगे। ओके, after the 7, 8 to 14, this is the basic nature. Okay, next point is the 7, 7 is the neutral.
व्हाट इज द मींस ऑफ द सेवन, सेवन इज द न्यूट्रल, इसे बॉटल होता है, यानी कि वो चीज जहां पर ना तो वो एसिडिक हो और ना ही क्या हो बेसिक हो, ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रल। ओके बेटा, तो 0 टू 3 तक जितने भी हमारे एसिड आते हैं वो सारे एसिड होते हैं कैसे स्ट्रांग, और आफ्टर देन 4 5 6 दे आर द वीक एसिड, जस्ट लाइक दिस 8 9 10 इज द वीक बेसिस, आफ्टर देन द 11 12 13 14 इज आर द स्ट्रांग बेसिस। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, यानी कि एसएस के जिससे हम किसी भी एसिड को बेसिक की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से एसिडिक वे वाले पोर्शन यानी कि 0 टू 6 वाले पोर्शन में क्या होता है, इंक्रीजिंग द हाइड्रोजन आयंस, हम लोग जानते हैं जब एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वहां किसकी इंक्रीजिंग होती है, हाइड्रोजन आयंस की इंक्रीज होती है। इसी तरीके से वहां पर OH आयंस का क्या होने लगता है, डिक्रीजिंग होने लगता है। इसी का अपोजिट हो जाता है हमारे बेसिक वाले पार्ट में, क्या होता है, इंक्रीजिंग द हाइड्रोक्साइड आयंस एंड डिक्रीजिंग द हाइड्रोजन आयंस। I think सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच टेबल इन अवर डेली लाइफ। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। कि पीएच का जो रोल है वो हमारे डेली लाइफ में कैसे हो सकता है, देयर आर द फर्स्ट पॉइंट इज देयर पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है ना, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें पीएच का क्या रोल होता है, हमारा जो स्टमक होता है वो एक एसिड को प्रोड्यूस करता है, उस एसिड को बोलते हैं हम HCl। एसिड के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये एसिड जो प्रोड्यूस होता है उस वक्त, तो उसका जो एसिडिक नेचर होता है वो 1.4 के समथिंग होता है। कितना होता है बेटा, 1.4 के समथिंग। एक्सेस ऑफ द ओवर ईटिंग, जो हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा लिमिट के हिसाब से जंक फूड या एनीथिंग कुछ भी ज्यादा खा लेते हैं, तो ये हमारा जो एसिड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये एसिडिक नेचर जब इंक्रीज होगा तो वी फील पेन एंड इरिटेशन, क्या होता है, हमें दर्द होता है और हमें पेन होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। ओके, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड टैबलेट्स का यूज करते हैं। टैबलेट्स हो या आपका सीरप हो, इनो हो, डाइजेशन के लिए आप लोग यूज करते हैं, जैसे जेलसिल हो गया, डाइजिन हो गया, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम लोग यूज करके अपने अंदर के एसिडिक नेचर को न्यूट्रल कर देते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑलरेडी हमारे अंदर क्या था, एसिड का, हमने बेसिक सॉल्यूशन का एंटासिड लिया, वो जब दोनों आपस में मिले एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते थे। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पीएच का मींस अपने स्टमक में। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इन टूथ डिके, यस टूथ डिके में भी हमारे पीएच स्ट्रांग बहुत करता है। पता है क्या होता है, जो भी हम टूथ खाना पीना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि उस खाने को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब शुगर में ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है और हम उसको ब्रश वगैरह नहीं करते, साफ नहीं करते हैं, तो वो एसिडिक नेचर के हो जाते हैं और समथिंग अप्रोक्सीमेटली 5.5 तक पहुंच जाते हैं। तो जब एसिडिक नेचर होगा तो वो हमारे इनेबल को क्या करते हैं, डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन द मॉर्निंग टाइम एंड द नाइट वी विल टेक द कॉलगेट, क्योंकि जितने भी कॉलगेट्स होते हैं, जितने भी हमारे जो भी कॉलगेट हम लोग यूज करते हैं, कॉलगेट हो गया मैनी टाइप्स ऑफ, तो वो सब किसके बने होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के होते हैं। तो जब बेसिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट एंड वाटर देगा, पोजीशन कैसे जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो वहाँ की जो सॉइल होती है उनके अंदर पहले से ही कई सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि उस सॉइल की को एसिडिक नेचर का बना देते हैं। अब वो ऑलरेडी पहले से एसिडिक है और हम वहाँ जाके और उसमें पेस्टिसाइड या और ज्यादा खाद की यूज करते हैं तो एसिडिक नेचर की वो और हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते। इसलिए जो किसान लोग होते हैं वो अपने खेत वगैरह में जाकर क्या करते हैं, चौपड़ देखा है ना, चौपड़ को डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जो एसिड था सॉइल के अंदर वो चौपड़ वाला बेस होता है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि न्यूट्रिशन हो गया। जस्ट लाइक जैसे एनिमल्स, एनिमल के लिए भी ये चीज देता है, जैसे कि हमारे
एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, हम लोग कितना वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, पानी के अंदर बहाते रहते हैं बहाते रहते हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल से वो जो वाटर लेवल होता है वो एसिडिक हो जाता है, और उसके अंदर रहने वाले जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या उनमें आकर पानी पीने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, तो वो उनके अंदर एसिडिक की कंटेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से उनकी पीएच को भी हम लोग क्या कर देते हैं, कम करना पड़ता है। तो उनके अंदर टाइम टू टाइम चेक करते हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ छिड़काव वगैरह कराती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। यस, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे एसिड जो है वो निकलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आंट है, बीज है, वो हमें अगर कहीं बाइट कर देती है तो आप समटाइम क्या होता है वो सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड की कंटेंट नहीं होती। फिर क्या करते हैं मम्मा पापा, बेकिंग सोडा लिया, सोडा लगा दो उसको, ऐसा रब करने पर क्या होता है वो न्यूट्रल हो जाता है और हम लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसे कई सारे प्लांट्स होते हैं जो कि नेक्टर होता है, उनसे वो एक एसिड को रिलीज करते हैं जो कि हमारे बॉडी में कहीं भी टच हो जाता है, जिससे हमें जेलिस फील होने लगती है, जलन लगती है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर बेस का यूज करते हैं जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाता है। तो आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंस है, और इस पोर्शन से वन पोर्शन ऑल टाइम बोर्ड में जरूर रहते ही रहता है। तो इतने पोर्शन को सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।